आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे हाथ में कहाँ होता है गुरु पर्वत बृहस्पति का स्थान। आप जो ये देख रहे हैं पीले रंग का, अंगूठे के बिल्कुल बगल वाली जो उंगली होती है, पीले रंग का जो स्थान है ये गुरु पर्वत का होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस हाथ को जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा हाथ है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह बनते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। ये है हमारी जीवन रेखा, और जीवन रेखा से ही लगे हुए ऊपर जा रही है भाग्य रेखा, और ये है हमारी मस्तिष्क रेखा। इनके बीच में जब ये ट्रायंगल बनता है, इस टाइप का ट्रायंगल बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डाउन टू अर्थ होता है, औरों को रिस्पेक्ट देता है, बहुत ही धनी होगा। आने वाले समय में उसकी जो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स पावर होगी उसकी, और अच्छी जो है डेस्टिनी होगी उसकी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में पैसे की कमी नहीं आती, बहुत ही धनवान बनने का ये जो है योग है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। जरा ध्यान से देखिए, ज़्यादातर लोगों के जीवन में जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा आपस में यहाँ से जुड़ी होती है आरंभ से, फिर आगे की तरफ चलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा बचपन में फ्रीडम नहीं मिलता, उसके वो माँ बाप के अनुसार वो चलता है, और बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, डाउन टू अर्थ होता है, अपनी फैमिली की सारी बातें मानता है, हर सब्जेक्ट को समझता है, अपने परिवार से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसे समझता है, और बहुत ही विनम्र टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनकी ये रेखा आपस में मिली होती है।